जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। अगर आप एक नए फ़ोन लेने की सोच रहे हैं और आपका बजट 15,000 के आसपास है और आप कन्फ्यूज हैं कि आप कौन सा फ़ोन लें, तो वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी। आज आप इस वीडियो के थ्रू 5 ऐसे बेहतरीन फ़ोन्स को देखने जा रहे हैं जो कि आपको 15,000 के आसपास दिख जाएंगे, और हमारी कोशिश यही रही है कि इस बजट रेंज के सबसे बेहतरीन फ़ोन्स आज आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाए जाएँ, जिसे आप शायद पसंद भी करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओम। आपका पूरा परिवार सुखी रहे, हम स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ हाइलाइट्स इस वीडियो का आपको बता देता हूं दोस्तों। जितने भी आप फोन्स देखेंगे सभी लगभग ऑलराउंडर की कैटेगरी में आपको मिल जाएंगे। सभी में आपको डिसेंट कैमरा, बेहतरीन और पावरफुल प्रोसेसर, और सभी फोन्स में आपको धमाकेदार बैटरी बैकअप, और उसी के साथ साथ आपको सही फोन में प्रीमियम डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए बात कर लेते हैं लिस्ट के सबसे नंबर वन के फ़ोन की, जो है रियलमी की तरफ से रियलमी नार्जो 70 5G और रियलमी P1 सीरीज। जैसा कि आप देख सकते हैं रियलमी P1 5G, जिसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे लिस्ट में जो है फर्स्ट नंबर पे दो फ़ोन आज आपको दिखाई दे रहा है। दोनों का फीचर्स लगभग सेम है और दोनों की प्राइस भी लगभग सेम है। आप दोनों फ़ोन को एक बार कंसीडर कर सकते हैं 15,000 का बजट रेंज में। आइए बात कर लेते हैं कुछ इसके फीचर्स की। रियलमी P1 5G के फीचर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। IP54 का रेटिंग आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। 3.5mm का जैक, हाइब्रिड स्लॉट, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। रियलमी UI का सपोर्ट, और उसी के साथ 5000mAh की पावरफुल मैसिव बैटरी आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाती है। 45W का फास्ट चार्जिंग आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। 45W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ये फ़ोन करता है, और इसलिए आप इस फ़ोन में गेमिंग कर सकते हैं। गेमिंग के लिहाज से ये फ़ोन काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। मीडिया डेंसिटी का 7050 प्रोसेसर आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। लगभग आपको 6 लाख के आसपास आपको N22 स्कोर इस फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। और ये फ़ोन काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों, अभी काफ़ी लोगों ने इसे पसंद भी किया है। इस फ़ोन की यूजर रेटिंग भी काफ़ी बेहतरीन है, आप चाहें तो खुद चेक कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है लगभग आपको 16,000 के आसपास लगने वाला है। तो अगर आपका 15,000 का बजट रेंज है तो आप 1,000 जरूर एक्स्ट्रा खर्च करके ये फ़ोन को आप लेने की कोशिश करें, क्योंकि ये फ़ोन आपको काफ़ी धमाकेदार फीचर्स दे देता है। 4K का वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। 50MP का AI कैमरा आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है, और काफ़ी अच्छा कैमरा क्वालिटी आपको इस फ़ोन में अनुभव होने वाला है। आप अपने जीवन के सुनहरे अवसरों को इस फ़ोन में संजो के रख सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें काफ़ी अच्छा कैमरा क्वालिटी कंपनी दे रही है। 6.67 इंचेस का फुल HD AMOLED डिस्प्ले, 120Hz का रिफ्रेश रेट आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। 2000 का निट्स पीक ब्राइटनेस आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है, और इस फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, और वीडियो प्लेबैक इस फ़ोन का काफ़ी बेहतरीन है। IP54 का वाटर रेजिस्टेंस टच आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। अगर प्राइस की बात की जाए तो 16,000 आपको और 17,000 आपको 128GB का जो है वो वेरिएंट में आपको लग जाएगा। 220Hz का आपको टच सैम्पलिंग रेट इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। आइए बात कर लेते हैं अपने अगले नंबर के फ़ोन की, जो है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M15। और दोस्तों ये फ़ोन भले ही पुराना हो गया है, लेकिन काफ़ी धमाकेदार फीचर्स आपको इस फ़ोन में मिल जाते हैं। सैमसंग गैलेक्सी M15 5G काफ़ी अच्छा फ़ोन है 15,000 का बजट रेंज का। इस फ़ोन का जो वीडियो प्लेबैक है काफ़ी बेहतरीन है। 6.5 इंचेस का सुपर AMOLED डिस्प्ले, 90Hz का रिफ्रेश रेट आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। 800 तक का नीट पीक ब्राइटनेस, आई केयर सपोर्ट, विजन बूस्टर आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ आपको इस फ़ोन में काफ़ी अच्छा स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। बहरहाल जितने भी फ़ोन आप देख रहे हैं सभी में आपको स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात की जाए तो प्लास्टिक आपको मिलता है फ्रंट एंड बैक में। 9.3mm इसका ओवरऑल साइज़ है, जैसा कि आप समझ सकते हैं काफ़ी स्लिमेस्ट फ़ोन है। 270g इसका वेट है, काफ़ी लाइट वेट फ़ोन भी है दोस्तों। 50MP का आपको प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है दोस्तों। गुड कैमरा फ़ोन, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं।
और दोस्तों सभी फ़ोन्स लगभग लेटेस्ट लॉन्च फ़ोन है और सभी की यूजर रेटिंग काफ़ी बेहतरीन है और हम काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन्स आपके लिए हर एक बजट रेंज के पिक करके लाते हैं जिसे आप पसंद भी करते हैं। 6000 mAh की पावरफुल मैसिव बैटरी आपको इस फोन में मिल जाती है, 25 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, अगर आपको वीडियो कहीं भी पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब बटन को हिट करके, ताकि इसी तरह बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लाते रहें और हमारी कोशिश इसी तरह आपके लिए वीडियो जो है इसे आप भेजिए देखने में आपको अच्छा लगे, फोन की परचेस करें, 14 सपोर्ट में आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम वीडियो ही मकसद से बनाते हैं ताकि अच्छा और बेहतरीन फोन खरीद सके, जिससे आप लंबे समय तक रिकॉर्ड में कोई झंझट इस्तेमाल करें, क्योंकि पैसे तो आपके ही खर्च होने वाले हैं और हमारा ये दायित्व तो बनता है कि हम आपको अपने वीडियो के थ्रू एक बेहतरीन फ़ोन परचेस करवाएँ। सैमसंग गैलेक्सी F15 अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो 14,499 आपको इसका जो 6128 का वेरिएंट है उसमें मिल जाएगा। आइए बात करते हैं अपने लिस्ट के तीसरे नंबर के फ़ोन की, जो कि है पोको की तरफ से पोको X6 Neo, और आपको ब्रांड सुन के ज़रा सा भी डरना नहीं है। दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी बेहतरीन फीचर्स के साथ आता है, काफ़ी धमाकेदार फीचर्स आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बेजललेस डिज़ाइन के साथ ये फ़ोन आता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले साइज की, 6.67 इंचेस का फुल HD 120Hz का रिफ्रेश रेट के साथ आपको ये फ़ोन में डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। कॉर्नरिंग गोरिल्ला ग्लास का 5 प्रोटेक्शन सपोर्ट आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ आपको इस फ़ोन में 2000 तक का निट्स पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाता है, जो कि इस फ़ोन के लिए काफ़ी बेहतरीन है। और आप देख सकते हैं ये फ़ोन लुकिंग वाइज तो काफ़ी तगड़ा लगता ही है। जितने फ़ोन्स आप देख रहे हैं सभी की लुक काफ़ी अच्छी है, लुकिंग वाइज कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं आपको किसी भी फ़ोन में। मीडियाटेक डेंसिटी का आपको इस फ़ोन में प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और इसमें आप गेमिंग आराम से खेल सकते हैं। BGMI और कॉल ऑन ड्यूटी जैसे धुआंधार गेम आप इस फ़ोन में इजीली खेल सकते हैं। 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। 5000 mAh की पावरफुल मैसिव बैटरी आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाती है। 108 मेगापिक्सल का कैमरा आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छा कैमरा क्वालिटी आपको प्रोवाइड करने वाला है। प्रो ग्रेड कैमरा आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। पोको X6 Neo जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, 7.69 mm का आपको इसको ओवरऑल साइज़ देखने को मिल जाता है। 14,999 इसका प्राइस है। आइए बात करते हैं अपने लिस्ट के अगले नंबर के फ़ोन की, दोस्तों अब तक उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद आती है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके और भी अन्य बजट रेंज के वीडियोस को देख सकते हैं। Vivo T3X हमारा अगला फ़ोन, काफ़ी बेहतरीन फीचर्स के साथ आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाता है। ओम टेक वाला जैसा कि हमारा चैनल है, अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर विजिट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जिनके बजट रेंज अगर 15,000 है और वो फ़ोन लेने के लिए सोच रहे हैं कि कौन सा फ़ोन ले, तो आप ये वीडियो उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। 6.72 इंचेस का फुल HD IPS LCD पैनल, पंच होल डिस्प्ले आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। 120Hz का रिफ्रेश रेट और 1000 तक का नीट पीक ब्राइटनेस आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। और इस फ़ोन में आपको बूस्टर स्पीकर भी देखने को मिल जाता है। पॉलीकार्बोनेटेड बैक साइड आपको दोनों साइड मिल जाते हैं। प्रोसेसर की अगर बात की जाए तो स्नैपड्रैगन 6th generation का 4nm का प्रोसेसर आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। फ्रंट टच का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। 6th generation 1 का आपको प्रोसेसर, जो कि इस फ़ोन के लिए काफ़ी पावरफुल है और इस फ़ोन को काफ़ी पावर प्रोवाइड करता है और एक पावरफुल फ़ोन बनाने में काफ़ी सहयोग करता है। लगभग 6 लाख के आसपास आपको इस फ़ोन में N22 स्कोर मिल जाता है और सभी फ़ोन्स गेमिंग के पर्पज़ से काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी गेमिंग है तो आप सभी फ़ोन्स को एक बार ज़रूर चेक कर सकते हैं और अपने चॉइस के अनुरूप फ़ोन परचेस कर सकते हैं। 6000 mAh की पावरफुल मैसिव बैटरी आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाती है। 44 वाट का फास्ट चार्जर आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। और दोस्तों जो सैमसंग गैलेक्सी F15 था उसमें आपको चार्जर बाहर से ख़रीदना पड़ेगा, उसके बारे में बताना भूल गया था। Vivo T3X 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है और इस फ़ोन का वीडियो प्ले बैक भी काफ़ी बेहतरीन है। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो 14,999 इसका प्राइस है, जो कि आपको 6128 का वेरिएंट देखने को मिल जाएगा।
आइए बात करते हैं अपने लिस्ट के अगले नंबर के फ़ोन की, जो है मोटरोला की तरफ से मोटो G64 5G, और काफ़ी अच्छा फ़ोन है, काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आपको ये फ़ोन मिल जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फ़ोन के डिज़ाइन की, प्लास्टिक बैक आपको मिल जाता है, 8.9 mm का इसका ओवरऑल साइज़ है, काफ़ी स्लिमेस्ट, काफ़ी लाइट वेट फ़ोन, 14 5G बैंड्स आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है, 3.5 mm का जैक आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है, डॉल्बी एटमॉस का स्टीरियो स्पीकर्स आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है, एंड्रॉयड 14 का सपोर्ट जो कि लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉयड का आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है, साइड फिंगरप्रिंट का सपोर्ट, एंड्रॉयड 14 का सपोर्ट जैसा कि आप देख सकते हैं, 6000 mAh की एक पावरफुल मैसिव बैटरी आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाती है, जो कि इसलिए आपको 1 से 2 दिन का तो बैकअप दे ही देगी, आपके यूसेज पर डिपेंड करता है। उम्मीद है कि अब तक आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर इसी तरह का और भी बेहतरीन वीडियोज़ को आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करें। काफ़ी अच्छा फ़ोन, मीडियाटेक डायमसिटी का आपको 7020 का 5G प्रोसेसर इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है, काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जा रहा है, मोटरोला मोटो G54 5G जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, 50 MP का वॉइस कैमरा आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है, 9 सेक कैमरा जो कि आपको अच्छा कैमरा क्वालिटी का अनुभव करा देगा, रियर कैमरा के थ्रू आप 180p का रिकॉर्डिंग कर पाओगे 60fps तक का, मोटो G64 5G काफ़ी अच्छा फ़ोन। डिस्प्ले की साइज की अगर बात की जाए तो 6.5 inches का फुल HD IPS LCD डिस्प्ले आपको इस फ़ोन में मिल जाता है, 120Hz का रिफ्रेश रेट, कॉर्नरिंग गोरिल्ला ग्लास का 3rd प्रोटेक्शन आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है, 560 तक का नीट स्पीक ब्राइटनेस आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसके प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो 15,000 इसका प्राइस आपको देखने को मिलता है, और लगभग सभी फ़ोन्स आपको 15,000 के आसपास ही मिल जा रहे हैं, 16,000 Realme P1 5G और Realme Narzo 70 का था। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।